अभी जो हमने सर का काम कर रहे हैं ये पूरा हमने सर का साइज बनाया है। अभी साइज के बाद क्या है कि सर का हेयर कट होगा, हेयर कट के बाद ये सर का कलर होगा, कलर के बाद हम सर का पैच लगाकर आपको दिखाएंगे। ये दिखाइए सर को, जरा सर का हेड दिखाइए। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा रेजर से क्लीन कर देते हैं, ठीक है, बट मैं क्लीन नहीं कर रहा हूँ। वो क्लीन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने हेयर छोड़े हैं, आधा आधा इंच मैंने हेयर छोड़ रखे हैं। आप देख रहे होंगे पूरे एरिया में मैंने हेयर छोड़ रखा है। वो इसलिए छोड़ा है कि जो ग्लू हम यूज़ करेंगे, ग्लू इस पार्ट में लगेगा तो ग्लू क्या होगा, इन हेयर में जाके पकड़ बना लेगा, मजबूती बना लेगा। तो पैच क्या होगा, थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट भी चलता है और खींचने पर भी वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। सर का हो चुका है हेयर कट और अब हम करेंगे सर के हेयर कलर, क्योंकि सर के आप देख रहे होंगे यहाँ वाइट हेयर बहुत ज़्यादा है। तो हम अब सर का कलर करेंगे एकदम नेचुरल शेड से। तो सर का लग चुका है कलर और अब 35 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद हम पैच लगाना आपको बताएं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम इसमें पोनी हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सर का ये पोनी हेयर स्टाइल कर दिया है। अगर आप लोग भी करना चाहें तो इस पैच में, हेयर पैच में पोनी हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, बट सर को क्या है शॉर्ट हेयर करना है तो हम सर का शॉर्ट हेयर करेंगे। बस मैंने दिखाया था कि इस हेयर पैच में आप पोनी हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पोनी हेयर स्टाइल में जो फ्रंट से भी अगर निकाल के ऐसे छोड़ना है तो आप ये छोड़ सकते हैं, बट मैं सर का बहुत थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा क्योंकि सर को कोनी नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट हेयर चाहिए। अब करके दिखाते हैं। आपने सर का बिफोर लुक देखा ही था, अभी सर का आफ्टर लुक देखिए और सर से मैं पूछता हूँ कि सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था वापस आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।